विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा में 370 बहाल करने का प्रस्ताव सरकार की ओर से पास कर दिया गया है। प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मुद्दा, एनडीए अलायंस की ओर से जब अपना घोषणा पत्र जारी किया गया तो उसमें इसको सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर दिखाया भी गया था कि कश्मीर में धारा 370 की वापसी एनडीए अलायंस की सरकार बनती है तो कराएगी। चूंकि अब एनडीए अलायंस की सरकार यहां पर बन चुकी है, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर तमाम निर्दलीय विधायक भी जो है उनकी तरफ से ये चुनाव जीता गया है, और ऐसे में अब चूंकि सत्र की कार्यवाही हो रही है तो 370 बहाल करने को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी विधायकों की ओर से हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, बीजेपी ने कहा था कि धारा 370 अब कश्मीर के लिए अतीत बन चुका है, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह भी जब जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि धारा 370 की वापसी कश्मीर में नामुमकिन है। तो मैं